दिल्ली में क्या हो रहा है, सीधे जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास। उमा, तो इस समय क्या, कौन से खेमे से क्या जानकारी मिल रही है, कौन आगे चल रहा है या क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए निधि, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया जो कि दो पर्यवेक्षक हैं तीन में से, वो दोनों यहां पर पहुंचे हैं। हो सकता है सुशील कुमार शिंदे भी थोड़ी देर में यहां पे पहुंचे, 6 बजे का वक्त जो है वो बताया गया था। तो दो पर्यवेक्षक यहाँ पे पहुंचे हैं और जैसा कि उन्होंने चलने के पहले बेंगलुरु से ये कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपेंगे, तो वो उस प्रक्रिया की शुरुआत अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। जो सीक्रेट बैलेट के जरिए वहाँ पर विधायकों ने अपने मत डाले कि उनका जो नेता है वो कौन होना चाहिए, तो ये रिपोर्ट लेकर यहाँ पे दिल्ली पहुँच चुके हैं पर्यवेक्षक। दूसरी अहम बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले वो रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो सोनिया गांधी के साथ भी होगा, राहुल गांधी के साथ भी होगा, और फिर माफ कीजिए, उसके बाद एक मिले जुले तौर पे एक जो फैसला है वो लिया जाएगा। जो बातें पहले से लग रही थी कि शायद मामला इतना ज़्यादा खींचतान का नहीं है, जिस तरह की तस्वीरें पहले से आ रही थी, हंसते मुस्कुराते साथ काम करते, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक, कल रात तक की जो तस्वीरें आई उसमें ये लग रहा था कि सिद्धारमैया जो हैं वो बिल्कुल आगे हैं, और डीके शिवकुमार को ये बात समझ में आ गई है कि उनके पीछे जो मामले हैं या बाकी जो भी जटिलताएँ हैं शायद उनको ये मौका ना मिले। लेकिन जिस तरीके से डीके शिवकुमार ने अब शॉट्स लेने शुरू किए हैं, जिस तरह के बयान उनके अभी सामने आए हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि उनके नेतृत्व में 135 विधायकों ने जो एक लाइन का प्रस्ताव पास किया, उसमें आलाकमान को जो जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको अधिकृत किया गया है फैसला लेने को। तो ये मामला जो है वो दोनों के बीच काफ़ी बड़े खिंचाव का मामला है, ये बात धीरे धीरे साफ हो रही है, और इसलिए कांग्रेस ने इस तरह की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की है कि कल को किसी तरह की कोई ऐसी चूक ना हो जाए, जिसका खामियाजा आज भी वो राजस्थान में भुगत रही है। अभी जैसे कि हमारे साथी निहाल ने बात की, उस ढाई ढाई साल के फॉर्मूले को मना किया गया है, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला आपने देखा राजस्थान में भी लगाया गया था। ठीक है उमा, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, एक मिनट रुकिए, ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि पहले डीके शिवकुमार वापस नहीं आ रहे, यहाँ दिल्ली नहीं आ रहे थे, सिद्धरमैया आ रहे थे, लेकिन फिर हमने दोपहर में देखा कि उनका ये ऐलान हुआ, नहीं मैं भी शाम को जाऊंगा, तो ये क्या हुआ, क्या उसके बारे में कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अब ये रात में कैसे आ रहे हैं? जी देखिए, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पल पल चीज़ें बदल रही हैं। खुद डीके शिव कुमार ने कहा था कि उनका बर्थडे है, उनके लोग उनसे मिलने आए हैं, इसलिए वो आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जानकारी आई कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको बुलाया हो, और क्योंकि एक मशवरा होना है, सिद्धारमैया भी यहाँ दिल्ली पहुँच चुके हैं, तो जो सारे लोग हैं, जो नेता हैं और जो दावेदार हैं वो सब बैठ कर आपस में तय करें, तो उनका होना भी यहाँ पर ज़रूरी है। इसलिए जो पहले जानकारी आई कि वो नहीं आ रहे हैं, अब जानकारी है कि वो आ रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली में ही मौजूद हैं, सोनिया गांधी हिमाचल में हैं, उनके रात तक आने की संभावना बताई गई है, तो तमाम लीडर बैठ के सलाह करके उसके बाद एक अंतिम फैसले तक पहुंचेंगे। बिल्कुल उमा, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आज की रात बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे।